विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तक थमा नहीं है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 1 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा है, जबकि विपक्ष सरकार को मगरमच्छ के आंसू बहाने से फुर्सत नहीं मिली। वहीं कुणाल यादव ने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवाए। किसी भी प्रदेश की, किसी भी राष्ट्र की का हृदय होता है, और हमारी सरकार ने किस तरीके से युवाओं के लिए बड़े कदम उठाए, उनको उनका हक दिलाया, जबकि विपक्षी सरकारों ने आज तक युवाओं को सिर्फ छलाया। देखिए, हमारी सरकार ने नौकरी, स्वावलंबन, कौशल विकास के जरिए लाखों युवाओं को सीधे रोजगार मुहैया कराया, और हमारी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप विपक्ष की बात करें तो हेमंत सोरेन का हम सबको याद है कि अर्जुन मुंडा जी की सरकार से उन्होंने समर्थन लिया था इसी मुद्दे पर वापस, कि वो स्थानीय नियोजन नीति को परिभाषित करेंगे। 14 महीने के अपने कार्यकाल में हेमंत जी को 14 दिन सरकारी खर्चे पे गोवा घूमने का मौका रहा, लेकिन इस 14 महीने के कार्यकाल में स्थानीय नीति को डिफाइन करने वाली फाइल 14 इंच भी नहीं बढ़ी। ये साफ दिखाता है कि युवाओं के लिए विपक्षी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाए। अगर उनके मन में युवाओं को नौकरी देने का, उनको उनका हक दिलाने की बात होती, उनकी इच्छा होती, तो ये 14 महीने के सरकार में वो स्थानीय नीति को अवश्य परिभाषित करते, और आश्चर्यजनक रूप से इसी स्थानीय नीति को परिभाषित करने के मुद्दे पे उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया था, लेकिन 14 महीने में उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। देखिए, हमारी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त मुद्रा लोन के जरिए 15 लाख युवाओं को मुद्रा लोन उपलब्ध कराया, ताकि वो अपना रोजगार, स्वरोजगार चला सके। कौशल विकास के जरिए 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिए गए हमारी सरकार ने, और हमारी सरकार ने एक बड़ा नीति में परिवर्तन करते हुए गजेटेड पोस्ट को छोड़कर जितने नॉन गजेटेड पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किया। झारखंड बनने के बाद राज्य में जो सबसे अत्यधिक आवश्यक चीजें थी, जैसे मेडिकल कॉलेज, पिछले 5 साल में हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 5 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, जिनमें दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है, और चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस में पहली बार हमारे राज्य के 6 छात्रों को जापान भेजा गया। स्टैंड अप इंडिया के तहत ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई, इसका संचालन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को दिया गया, और युवाओं को संचालन के लिए सुलभ ऋण को उपलब्ध कराया गया है। 12,000 तेजस्विनी क्लब का गठन कर 10 लाख किशोरी युवतियों को जोड़कर कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य हमारी सरकार ने किए गए हैं। सबंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।